सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ने बिहार सहित पूरे देश के युवाओं को झकझोर दिया है। देश के कई हिस्सों में उनकी आत्महत्या की खबरें मिल रही हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, सरकार भी अड़ी हुई है। अब आयशा इनॉस रोजगार संघ संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। अब सेना भर्ती जवान मोर्चा के संयोजक राजू यादव, इनॉस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अगियाव विधायक मनोज मंजिल, आयशा के महासचिव व पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, इनॉस के बिहार राज्य अध्यक्ष व डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा, इनॉस के राज्य अध्यक्ष आफताब आलम आदि ने संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया है। उन्होंने राजनीतिक सामाजिक संगठनों व बिहार की जनता से सेना व युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए बिहार बंद को सक्रिय रूप से समर्थन देने की अपील की है। छात्र युवा नेताओं ने कहा कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती तो बिहार बंद के बाद भारत बंद की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। यह कैसा मजाक है कि महज 4 साल काम करने के बाद जब युवाओं की असली जिंदगी शुरू होगी तब उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। हमारी मांग है कि कृषि कानून की तरह इस योजना को अविलंब रद्द किया जाए और बिना किसी देरी के सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। उधर केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन प्रदर्शन उग्र हो गया है। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर बवाल हो रहा है। पटना के दानापुर स्टेशन पर ट्रेन और पार्सल रूम में आग लगा दी गई। स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया, पुलिस पर पथराव किया गया। बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया। यहां तक भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। आयशा इनॉस रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। सुबह से अब तक 8 ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, दानापुर, फतुहा, आरा और सुपौल में 1-1 यात्री ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर उग्रवादियों ने स्टेशन पर लूट की है। टिकट काउंटर से लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। सासाराम में टोल प्लाजा में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। टोल प्लाजा में आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। कई राउंड फायरिंग की खबर है। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लग गया है। डेस्क रिपोर्ट, बोलता बिहार। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।